अपने कुत्ते को डिसिप्लिन करने के लिए चेन से मारना जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि वो हमें परेशान नहीं कर सकता, चीजें नहीं तोड़ सकता और अलग अलग कोनों में सूसू पॉटी नहीं कर सकता। टाइसन 4 महीने का था जब हमने उसे पहली बार चेन से मारने की कोशिश की थी। वो एकदम से डर के एक कोने में बैठ गया और हमें 2 मिनट नहीं लगे ये समझने में कि चेन से मारना उसके बिहेवियर को ठीक करने का सलूशन नहीं है। आपको आज भी याद होगा वो दिन जब आपके पेरेंट्स ने आपकी गलती पे आपको बाथरूम में या घर से बाहर ही बंद कर दिया था। डिसिप्लिन सिखाने के लिए ऐसे एक्शंस नॉर्मल तो बन जाते हैं लेकिन फिर लाइफ लॉन्ग हमें ट्रॉमा देते हैं। जिन बच्चों की जिंदगी ही 15 साल है उन बच्चों को चेन से बांध के हम उनमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं, उन्हें एग्रेसिव बनाते हैं, सोशलाइज वो हो नहीं पाते और जहां आप उन्हें चेन से बांध रहे हैं उस जगह के लिए टेरिटोरियल हो जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड का डॉग आज इतना एग्रेसिव है कि वो फैमिली मेंबर्स पे भी अटैक करता है और जिस कमरे में उसकी हर गलती पर उसे बांध देते थे उसमें आने भी नहीं देता। डिसिप्लिन सिखाने के लिए पनिशमेंट की नहीं आपके पेशेंस की जरूरत है। उसकी एंग्जाइटी खत्म करने के लिए उसे पता होना चाहिए कि अगर वो गलती करेगा तो उसे बांधा नहीं जाएगा। क्या गलत है और क्या सही वो सिखाया जाएगा। जिस फैमिली में वो रह रहा है उसी के फैमिली मेंबर्स से नहीं मिलेगा तो सोशल कैसे होगा, पूरा घर उसका है ये कैसे समझेगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो टेरिटोरियल ही तो होगा। हमेशा बंद जाने के डर के कारण उसे ट्रेन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। पैर वीक पड़ जाएंगे, जॉइंट्स में इश्यूज आ जाएंगे, लेस मोबिलिटी की वजह से बैलेंसिंग इश्यूज भी आ जाएंगे और साथ ही में नेक इंजरी भी हो सकती है। जिस डॉग को आप घर लेके आए हो उसे फैमिली पेट से फैमिली मेंबर बनाना आप ही की जिम्मेदारी है।